सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा LKG हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द सीखेंगे। देखो, पिछले वीडियो में हमने आपकी वर्णमाला सीखी थी, वर्णों को सीखा था। अब हम आपके दो वर्णों के प्रयोग से जो बिना मात्रा वाले शब्द बनते हैं उन्हें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला शब्द है आपका बस। देखो, इसे बनाने के लिए दो शब्द, दो वर्णों का इस्तेमाल किया गया है, बै और से। बै से बस। तो देखो, ये दो वर्णों से मिलके बना है, ब और स से, तो ये बना आपका बस। दूसरा शब्द है वट। वट, वट होता है आपका पेड़। फिर देखो, तीसरा शब्द है ऊ जमाने, ऊन। अब देखो, अगला शब्द है आपका के पे, कप। तो इस तरीके से देखो, बहुत सारे आपको दो वर्णों के शब्द दिए गए हैं जिनमें किसी मात्रा का इस्तेमाल नहीं है। ईख, एक, आम, गज, रस। अब देखो, अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो दो वर्णों से मिलके बने। देखो, खग खग, चल चल, सच सच, चढ़ चढ़, कल कल, हल हल, मत मत, नल नल, हस हस, श्रम श्रम, गप गप। तो देखो, ऐसे दो वर्णों वाले बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना है। अब देखो, यहाँ भी आपको बहुत सारे शब्द चित्रों के साथ दिए गए हैं, तो आप इन्हें पढ़ने का अभ्यास करोगे। अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ दो वर्णों वाले वाक्य दिए गए हैं। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य होते हैं जब बहुत सारे शब्दों के मेल से कोई एक आपका बिल्कुल मीनिंगफुल वाक्य बनता है, एक लाइन बनती है, तो वो होता है आपका वाक्य। जैसे देखो, चल श्रम कर, मतलब चलो मेहनत करो। तो देखो, यहाँ पे चल श्रम कर, तीनों शब्द जो हैं आपके दो दो वर्णों से बने हैं, तो एक वाक्य बन गया पूरा। रथ पर चढ़, दक्ष यज्ञ कर, हठ मत कर, चल कप रख, अब डर मत, नल पर चल, जप तप कर, यश हल कर, सब सच कह, बस पर चढ़, ठग मत बन। तो देखो, यहाँ पे दो दो वर्णे वाले, दो दो वर्णों वाले शब्दों के वाक्य आपको दिए गए हैं, तो आप इन सभी वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करोगे। अब हम करते हैं आपका, देखो यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, चित्रों को देखकर सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाइए। देखो, कुछ चित्र दिए गए हैं आपको और उनके नाम दिए गए हैं, आपको सही नाम पे टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। देखो, पहला चित्र है आपका बस। तो देखो, बस का कौन सा शब्द है आपका, ऊपर वाला नीचे वाला? बस। देखो, ये ऊपर वाला शब्द है बस, तो आप इसे टिक करोगे। फिर है देखो नल, तो देखो ऊपर लिखा है जल, नीचे लिखा है नल, तो नल को टिक करो। फिर देखो, ये है आपका हाथी, हाथी को कहते हैं गज, तो ऊपर है जग, नीचे है गज, तो गज को टिक करो। फिर देखो, एक पेड़ है, पेड़ को कहते हैं वट, तो वट और नट, वट को टिक करो। फिर है थन। फिर देखो, यज्ञ, तो ऊपर लिखा है घर, नीचे लिखा है यज्ञ, तो यज्ञ को टिक करो। फिर देखो, ये हल का चित्र है, तो हल है ऊपर, नीचे है फल, तो हल ठीक है, हल पर टिक करो। फिर है एक, तो एक पर टिक करो। तो ऐसे आप देखो, ये बहुत सारे चित्र हैं और इन सब के नाम दो अमात्रिक वर्णों से हैं, तो आपको क्या करना है, जो ये दो वर्णों वाले शब्द हैं इन्हें पढ़ने का अभ्यास करना है, और ये जो हमने अभ्यास किया है चित्र देखकर उसके सही नाम पर टिक लगाओ, इसका भी अभ्यास करना है आपको। तो देखो, हमने ये आपके दो वर्णों वाले शब्द सीखे। अब आगे देखो, एक और दिया गया है आपको। अब इसमें क्या करना है आपको, दिए गए चित्रों के नाम शब्द जाल से छाट कर नीचे लिखो। देखो, कुछ चित्र दिए गए हैं आपको, अब आप इन चित्रों के नाम देखो क्या है। पहला चित्र है आपका, देखो ये धन, अब इस शब्द जाल में धन शब्द ढूंढो, ये बना धन, धन, आप यहाँ लिखो धन। फिर देखो बस, बस को ढूंढो, बस कहाँ लिखा है, तो आपका देखो बस लिखा है यहाँ, बस बस। फिर देखो नेक्स्ट है आपका, देखो नीचे नल है, तो नल आपका आ रहा है, देखो
नल ढूंढो, नल ये रहा। फिर देखो टब, टब है आपका, टब ये रहा। फिर देखो खग, खग होता है पक्षी, खग ये रहा। और देखो इस तरीके से आपको इन सभी चित्रों के नाम इस शब्द जाल में ढूंढ के ऐसे घेरा लगाना है और फिर नीचे लिखना है। तो देखो ये हमने दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है उसका अभ्यास करा। तो आप हमें दो वर्णों वाले आपकी पुस्तक में जो शब्द दिए गए हैं अमात्रिक शब्द जिनमें किसी मात्रा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उन्हें पढ़ने का अभ्यास करोगे और ये जो अभ्यास कार्य करा है इसको अच्छे से करोगे। फिर मिलेंगे आपसे, आप ये अभ्यास कार्य कीजिए, दो वर्णों को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। थैंक यू।